विश्व शांति और सभी के कल्याण की दृष्टि से राम नाम जप महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री रुद्रात्मक हनुमान मंदिर कोष्टीपुरा के सदस्यों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आयोजन की जानकारी दी। सदस्यों ने बताया, शहर के वृंदावन लॉन में 31 जुलाई को श्रावण अधिक मास के समय श्री राम नाम जप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 13 घंटे में 13 करोड़ अखंड श्री राम नाम जप किया जाएगा। इसके अलावा महाप्रसाद एवं भंडारे का भी आयोजन है। आयोजकों ने मीडिया के माध्यम से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। आयोजक रुद्र परिवार सेवा समिति के सदस्य में रितेश पांडे, जितेंद्र सोलंकी, नरेंद्र पांडे, चिंतामन ठाकरे, विवेक ठाकुर, अनुज पांडे, सुधीर गुप्ता, श्रीमती गीता सोलंकी, वरुणा ठाकरे एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे। और क्योंकि श्रावण रहेगा तो बहुत से लोगों का व्रत भी रहेगा, तो उसके हिसाब से भी फलाहार खिड़की की व्यवस्था उन्होंने की हुई, जो कंटिन्यू 13 घंटे चलेगा। एक एक घंटे का हमने एक स्लॉट बनाया हुआ है। हम 5-5 हज़ार आदमी को एक घंटे में इनवाइट कर रहे हैं, उससे अधिक आए अच्छी बात है, पर कम से कम 5-5 हज़ार लोग आए। हम 5-5 हज़ार लोगों की बैठक की व्यवस्था बनाई है, हम 10 हज़ार लोगों की बनाई है कि 5 हज़ार लोग बैठ के जाप करेंगे एक घंटे, और वो अपना उठ जाएंगे, दूसरे पाली अपनी बैठ जाएंगे, वो चलते रहेंगे, ये लोग अपना उठ के जाते जाएंगे, भोजन भोग प्रसाद देते जाएंगे। हाँ, जो अधिक समय देना चाहे वो अधिक भी दे सकता है, पर कम से कम एक घंटे का समय दे हमारे लिए, ये हमारी अपेक्षा है। वृंदावन लॉन बहुत कम भैया, देखिए सबसे मुख्य कारण तो ये है कि मैं अपनी व्यक्ति बता रहा हूँ, मैंने राम को अभी पढ़ना शुरू किया तो राम को जानना चाह, तो राम को जानना है, राम को मानना है, तो आपको राम के लिए कार्य करना पड़ेगा। राम विश्व कल्याण की भावना रखते थे, उन्होंने किसी भी प्राणी से भेदभाव नहीं किया, उन्होंने जीव जटायु को भी वही महत्व दिया, गिलहरी को भी महत्व दिया, उसने शबरी को भी वही महत्व दिया, उसने हर समाज के हर वर्ग विशेष को महत्व दिया, उन्होंने किसी कास्ट को महत्व नहीं दिया, उन्होंने मानव कल्याण को महत्व दिया। NBCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।